राधे राधे, हरे कृष्णा। राजस्थानी तीज त्यौहार रेसिपी में मैं आज बताने जा रही हूँ कि देखिए, ये है अंजीर। तो ये अंजीर इस रस्सी में आती है पूरी, और अंजीर का पेड़ बहुत फायदेमंद होता है, उसके पत्ते भी फायदेमंद होते हैं। और ये है अंजीर। तो इसको क्या करना है आपको, जैसे आपको पीलिया हो या फिर आपका लीवर में सूजन रहती हो, थोड़ी उल्टी जैसा जी करता हो, तो आपको क्या करना है, दो अंजीर सवेरे रात को भिगोनी है। आप 4 घंटे पहले भिगो दिए, सोते समय भिगो दें, और उसको है ना सुबह उठ के कुल्ला उल्ला करके आपको ये खाली पेट पीना है। पानी, इसका पानी भी पीना, और इसको धो के भिगो, इसको धो लेना पहले, इसको धो के भिगोना है, क्योंकि इसमें मिट्टी विट्टी होगी जो भी निकल जाएगी। हाथों हाथ रगड़ के धो लेना इसको इस तरीके से, और धो के इसको भिगो देनी है, और भिगो के और आपको ढक के रखना है। और कुल्हड़ मिल जावे तो कुल्हड़ में भिगोना आप, वो सबसे ज़्यादा फायदा करती है। कुल्हड़ नहीं मिलता है आपको तो फिर आप कांच के गिलास में भिगो देना, और ये पीलिया में बहुत अच्छा फायदा करती है, और आपकी भूख बढ़ाएगी। आप देखेंगे आपको खाते ही थोड़ी देर में इतनी भूख लगने लग जाएगी कि जो बच्चे रोटी नहीं खाते ना, भूख नहीं लग रही है, तो उनको ये खिला देनी चाहिए। बड़े बूढ़े सब बच्चे तो सभी खा सकते हैं इसको, और जिनको बीमारी नहीं है कोई तो वो भी खा सकते हैं इसको। खाली पेट दो अंजीर पानी में भिगो के खाएं। आग अगर आपको बुखार है, आपके जैसे आपको जैसे टाइफाइड है, तो उसमें भी आप दूध में उबाल के पी सकते हैं इसको, और इसका फ़ायदा बहुत अच्छा है अंजीर का। तो ये देखिए, मैंने अंजीर का उपाय बताया आपको, तो इसको भिगोनी है आपको। ये देखिए, मैंने दो अंजीर भिगो के रखी है इस तरीके से, आपको दो अंजीर मैंने धो के भिगोई है, और आप भी धो के भिगोना इसको। तो धोने से क्या है कि आपका कचरा वचरा जो भी निकल जाएगा, और फिर आप इसको पी सकते हो आराम से। और इसको और भी तरीके से ले सकते हो, जैसे आप ऐसे भी चबा सकते हो तो वैसे भी खा लेते हैं। और मैं तो लाती हूँ बच्चों के लिए, अपने लिए, सब लोग खाते घर में। अंजीर बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत सारे फ़ायदे हैं इसके, अंजीर के। और देखिए, इसको अगर आपको टाइफाइड है, बुखार है, तो आप इसको इसमें ना क्या खूब कला और 4-5 मुनक्के, 2 अंजीर और खूब कला थोड़ी सी चिटकी भर लेनी है, उसको पीस के चटनी बना के भी आप खाते हो ना, तो आपके है ना टाइफाइड भी सही हो जाता है उससे। तो ये देखिए, मैंने बताया अंजीर का फ़ायदा। राधे राधे, हरे कृष्णा। राजस्थानी तीज त्यौहार में देखते रहिए, और ज़रूर मेरे को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट जरूर करना। देखिए मैंने जो इलाज बताया आपको, के लक्षण मैं बताती हूँ आपको। देखिए पीलिया के लक्षण क्या होते हैं, जैसे आपको भूख कम लगना, कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, और कभी चक्कर आते हैं उसमें पीलिया में, और आपके नाखून वगैरह पीले हो जाते हैं, खून की कमी हो जाती, खून का पानी बनने लग जाता है। और आप अगर लहसुन ज़्यादा खा लोगे ना, आप लहसुन कोई गर्म चीज़ होती है तो उससे भी आपको पीलिया हो जाता है, जैसे जो गर्म चीज़ होती है ज़्यादा अधिक मात्रा में खाते हो तो आपको पीलिया उससे हो सकता है। तो इसलिए आपको ज़्यादा अगर है ना, इसके साथ में आप एक चीज़ और भी, इसके साथ में आप लीवर 52 की गोली भी ले सकते हो, क्योंकि वो एक है ना आयुर्वेदिक गोली है। आयुर्वेदिक गोली क्या है, कोई भी ले सकता है, और इसके साथ साथ वो भी लेते रहिए, तो आपको कहीं ज़्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। और आपको लगे कि जब मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पीलिया जैसा लग रहा है, भूख नहीं लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, कमजोरी आ रही है, तो आप ये ले सकते हो। ये मैंने बताया। राधे राधे, हरे कृष्णा। राजस्थानी तीज त्यौहार में रेसिपी में ये मैं आपको बता रही हूँ उपाय को। आप इस अगर किसी पड़ोस में किसी को हो जाता है, और आपके रिश्तेदारी में किसी को हो जाता है, तो उनको आप बता सकते हो, जिससे उनको लोगों को फ़ायदा मिले। कई लोग जानते नहीं हैं, तो कई लोग है ना नहीं जानते भाई हमारे को कैसे करना है, किस तरीके से करना है। दवाई लेते रहते हैं, खटाई वगैरह खाते रहते हैं, और आपको जो भी खाना है, खटाई नहीं खानी है, और जैसे हल्दी नहीं खानी है, लहसुन नहीं खाना है, और आपको पपीता नहीं खाना है, और आप हल्का खाना खाइए, सूजी का मतलब उपमा बना के खाएं, उसमें हल्दी नहीं डालें। और आप जैसे जूस वगैरह पिए, मौसमी का, नारंगी का, बाकी और भी चीज़ें खा सकते हो जो भी मैं बता रही हूँ इस तरीके से। तो मतलब पीलिया में क्या, हल्दी नहीं खाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो गर्म चीज़ें आती हैं वो नहीं खाते हैं पीलिया के अंदर। तो ये मैंने बताया आपको ये नुस्खा। चैनल को अगर आप देखते हो तो कमेंट करें, और लाइक करें, और शेयर जरूर करें, सबसे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा।
और इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, नॉर्मल भी ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि पीलिया वाला ही ले, आप ऐसा भी ले सकते हो तो आप बहुत ताकतवर रह जाएंगे। सुबह सुबह लो, खाली पेट पानी में भिगो के लो, दो अंजीर ले लो और आपको भूख भी लगेगी। और आप दूध में इसको उबाल के भी पी सकते हो, रात को अगर आपको ठंड लगती है तो आप दूध में उबाल के पी सकते हो इसको, वो भी इलाज है, बहुत सारे इलाज है और आगे भी मैं बताऊंगी आपको कभी इसके बारे में। आखिरी बार मैं बोल रही हूँ, राधे राधे हरे कृष्णा बोलते रहिए, जिससे आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद और भी हो जाएगी ये अंजीर।